तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन एंड होप यू आर डूइंग गुड। एंड बेसिकली आज की वीडियो एक बजट व्लॉगिंग सेटअप के बारे में होने वाली है। फॉर एडवांस, अगर आप न्यू टू यूट्यूब है तो आप तो स्टार्टिंग में मोबाइल से ही व्लॉग करें, मेरा बोलना यही होगा। और जो थोड़े एडवांस हो चुके हैं उनके लिए ये है, बट बजट में है फॉर एन इंडियन यूट्यूबर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बेसिकली आई बॉट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम अमेजोन। सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज दिस रोड का माइक, ये कैमरे के ऊपर अटैच होता है, विच गिव्स यू अ गुड वॉइस एक्सपीरियंस। इट कम्स विद 2 ईयर वारंटी और नो बैटरी रिक्वायर्ड। बेसिकली इसमें एक वायर रहता है जो इस माइक में लगेगा और एक वायर रहेगा कैमरा में लगेगा, तो इसे बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साइज कॉम्पैक्ट साइज छोटा है। राइकन सस्पेंशन नॉट इंक्लूडेड। इसके अंदर एक माउंट होगा, वो हम खोल के देखते हैं उस वक्त। एंड सेकेंड ऑन माई लिस्ट इज दिस गोरिल्ला पॉड, जोबी का गोरिल्ला पॉड। होप सो माई कैमरा, माई मोबाइल कैमरा इज डूइंग गुड जस्टिस। और थोड़ी रूम की लाइटिंग मेरी वैसी ही है, सो बेयर मी ऑन इट। लेट्स ओपन इट। फर्स्ट वी विल गो विद द माइक्रोफोन। खुल जा पर आवा नहीं। सो आई हैव टू ओपन दिस। भी नहीं आएगी की बोलो ना, लाइक विद द सॉफ्ट सॉफ्ट है। एंड द माइक इज इन, दिस इज द माउंट। इतना ही कुछ करके अटैच करना पड़ता है। एंड दिस इज द वायर आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी। इसका एक एंड माइक में लगेगा एंड दूसरा एंड DSLR में लगेगा। और वीडियो में बने रहें क्योंकि लास्ट में मैं सबके प्राइजेस बताऊंगा, गोरिल्ला पॉड के, माइक के एंड माय DSLR आल्सो। ये बॉडी है, लेंस है, मैं उसके बारे में बताऊंगा, दैट कॉम्बो किट। वीडियो में बने रहें। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने भी बस वीडियोस में ही देखा है यूट्यूब में कैसे पोस्ट करते हैं, मतलब कैसे अटैच करते हैं इसको। सी ये चीज़ दी हुई है रेगुलेट करने के लिए, बेसिकली इससे ही आपका टाइट हो जाएगा। टुंग टुंग। एंड नेक्स्ट वी हैव जो भी गोरिल्ला पॉड, ये री अनबॉक्सिंग हो रही है, मैंने पहले ही इसे खोल दिया था। इट कम्स विद अ वॉलेट और मेरी जो किट है वो 3K किट है। 3K किट मतलब बेसिकली होता है कि ये जो गोरिल्ला पॉड है ये 3 kg तक का वेट संभाल सकता है। लेट मी गेट माय हैंड। और जो भी का ही लें आप, बिकॉज और ब्रांड्स भी हैं मार्केट में, बट उसका गोरिल्ला पॉड का यही प्रॉब्लम होता है, ऐसे आप इसे ट्विस्ट करोगे तो ये टूटने एंड ऑल का डर रहता है। और बॉल हेड यही है भाई, इसे ढीला कर दीजिए तो आप अपने कैमरा को 360 डिग्री कहीं भी रोटेट कर सकते हो। और ये मतलब आपका कैमरा सीधा है कि नहीं ये उसको मेज़र करने के लिए इसके बीच में ये दिया हुआ फ्लूइड टाइप का, ये भी मैंने नोटिस किया। सो गुड वर्क जो भी। ओह माइक ही नहीं लाया मैं तो। सो हेयर कम माय लेंस। डॉट मिला है तो ये वाइट वाले डॉट के साथ, ये लेंस में वाइट वाला डॉट है, आपको इस दोनों को मिलाना है। इंटरेस्टिंग साउंड सुना आपने, वायर लॉक हो गया एंड एक वायर तो माइक में अटैच हो गया है, सेकंड वायर को यहाँ अटैच करना है। देखिए इस पे कैमरे पे यहाँ पे माइक लिखा भी है, मेरा मोबाइल का कैमरा ठीक से दिखा नहीं पा रहा है। सो और जब आपने वायर लगा दिया माइक का तो आप स्क्रीन फ्लिप नहीं कर सकते हैं। सो ओके, सो
This is how my new setup looks. So अब मैं कैमरा शूट करूँगा. Let's boom. So hey guys, welcome again back to my channel. So right now I am shooting with my tripod and my new mic. So आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि बिना माइक के और आफ्टर माइक इफेक्ट्स क्या है. अभी मैं एक सेकेंड वीडियो बिना माइक के भी शूट करके आपको दिखाऊंगा, तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको डिफरेंस पता चल रहा है इन द कमेंट्स बिलो, एंड हाउ डू यू लाइक माय न्यू सेटअप. तो सेकेंड वीडियो आ रही है बिना माइक के साथ. सो राइट नाउ आई एम शूटिंग इट विदाउट माइक वॉइस. सो आप मुझे बताइए कि दोनों में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है, कुछ ग्रेन्स आ रही है या माइक में कुछ ऐसा आपको अलग सा कुछ प्रॉब्लम पता चल रहा है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए. क्योंकि हाँ भाई, वीडियो आप ही देखने वाले हो तो ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है. सो लेट मी नो. एंड सो या वी आर अगेन बैक विद द माइक. हूँ माइक ला लिया था भाई, ये मजे भी तो लेने हैं. तो हूँ तुम्हें मैं दसदा है कि मेरा ये बजट ब्लॉगिंग सेटअप जो मैं कह रहा है वो इन्ना भी बजट नहीं है. बट अगर आप एडवांस लेवल से हैं तो तुम्हें ये चाहिए. अगर आप एक एडवांस लेवल के ब्लॉगर हो चुके हैं तो आपको चाहिए. अभी तो फिलहाल मैं भी एडवांस लेवल का नहीं हूँ, बट आई कैन अफोर्ड इट, सो आई हैव अफोर्डेड इट. एंड सेकंड थिंग, ये यूट्यूब की कमाई तो एकदम बिल्कुल नहीं है, ये मेरी खुद की कमाई तो है, खून पसीने की कमाई. देखो पसीना आ भी रहा है. सो हूँ कितना लगता पाया मेरा सेटअप. तो हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरा प्राइस. तो हूँ प्राइस दसदा एक एक करके तुम. तो ये मेरा रोड द वीडियो माइक है जरा, ये मैंने पाया 5,500 अप्रोक्स. एंड दैट माई गोरिल्ला पॉड 5,000. माई कैमरा, एंड हाँ कैमरा का एक और पार्ट है, ये कैमरे की बॉडी हो गई. कैमरे के नाल मैंने एक लेंस मिले 18-55 mm का लेंस है. एंड एक और लेंस है, लेट मी शो यू, एक और लेंस है ये 52-50 mm. बेसिकली ये कैमरा मैंने एक कॉम्बो से लिया, मतलब एक कॉम्बो प्राइस पे लिया है. सो दिस कॉस्ट मी अराउंड 55-60,000. अगर आप आज की डेट से जाओगे तो 55-60,000 के बीच में ये कैमरा आ जाएगा. एंड दिस कैमरा इज़ कैनन 200D. तो एंड टोटल अगर आप मेरा वही बजट व्लॉगिंग सेटअप देखोगे तो 70,000 के अप्रॉक्स है. अब आप बोलोगे ये तो बहुत महंगा है भाई, बट अगर आप एक एडवांस लेवल के ब्लॉगर हो तो आपको ये चीज़ की ज़रूरत तो ज़रूर पड़ेगी. आप स्टार्टिंग में फ़ोन से भी ब्लॉग कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही. मेरा फ़ोन, आप कोई भी फ़ोन कर सकते हो आजकल, तो फ़ोन वैसे ही बहुत एडवांस आ चुके हैं. सो विद दैट सेड, होप यू लाइक माई दिस इंफॉर्मेशन एंड माई न्यू बजट ब्लॉगिंग सेटअप. तब मेरे और भी चंगे चंगे ब्लॉग्स देखने आएंगे तो मैंने जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो. जो सब्सक्राइब का बटन है ना उन्हें तोड़ दो, इतना क्योंकि मैंने सब्सक्राइब करना नहीं आया. तो जिन मैंने सपोर्ट करनी है कि ये चाहने कि मैं कुछ और भी करा, तब और भी कुछ चंगा चंगा बखावा, तो जाके मैंने पहले सब्सक्राइब करो और वीडियो चंगी लगी तो लाइक भी करो, शेयर भी करो. ओके बाय.